कोरबा जिले के जमनीपाली दरी क्षेत्र में आपराधिक तत्व का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है और वह पुलिस को एक प्रकार से चुनौती देने के मूड में है। चोरों ने एक दुकान में सेंध लगाकर भीतर रखा पूरा सामान पार कर दिया तो पास की दो और दुकानों की शीट हटाकर चोरी की। सुबह दुकान के संचालकों को इस बारे में जानकारी हुई। चोरी की घटनाओं से इलाके के व्यवसायी आक्रोशित है। जमनीपाली क्षेत्र में संचालित सत्यम कॉपियर्स का संचालन विनय राय का सुपुत्र मनीष करता है। पिछली शाम 7 बजे वह दुकान की शटर बंद कर अपने घर चला गया। अगले कुछ घंटे में यहां पर क्या होने वाला है इस बारे में संचालक ने कोई कल्पना नहीं की थी। देर रात को आपराधिक तत्वों ने पीछे से सेंध लगाई और खिड़की उखाड़ने के साथ भीतर रखी फोटोकॉपी मशीन, प्रिंटर के अलावा रेफ्रिजरेटर और कैश काउंटर से 9,000 रुपये की नकदी रकम पार कर दी। विनय राय और उनके पुत्र मनीष को सुबह इस घटना के बारे में जानकारी हुई, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और इस बारे में तथ्यों से अवगत कराया। कल रात को बंद करके दुकान गया, सुबह जब आया तो यहाँ पर पता चला कि ताला तो सामने से लगा हुआ था लेकिन पीछे का दीवार तोड़ करके खिड़की को जो है काट करके किसी कटर से खिड़की के रास्ते घुस करके पूरा जितना उसमें सामान रखा हुआ था अंदर में, फ्रिज का, ठंडा का, गुटखा, बिस्कुट, सभी सामान और काउंटर में रखा हुआ था लगभग 9,200 रुपये। कुछ नकदी था उसमें और कुछ ले आए थे उसमें डाला हुआ था, पुलिस रिपोर्ट में लिखा है 9,200 रुपये का। तो उसमें काउंटर को लॉक लगा हुआ था, उसको तोड़ करके काउंटर से पैसा ले गए और सभी सामान जितने थे खाने पीने के साबुन तेल सब सामान बोरी में भर के उठा रहे। पीड़ित पक्ष ने बताया कि पिछली रात को केवल उनकी दुकान में ही नहीं बल्कि आसपास की दो और दुकान को भी आपराधिक तत्वों ने टारगेट किया है और यहां से काफी सामान की चोरी की है। बगल की हमारे अलावा दो और दुकानों में भी चोरों ने ऊपर सीट हटा करके घुस करके वहां से ले गए हैं और बगल में इसके हमारे बगल एक और फोटोकॉपी दुकान थी उसका भी ताला तोड़ करके तो उसका फ्रीजर से कुछ ठंडा का सामान सब ले गए। ये पर ठंडा सामान मशीन वशीन सब छोड़ दिए, नकदी कैश वगैरह हाँ जो था अंदर में ले गए। तो कितना टाइम दुकान बंद करके गए थे? 7 बजे। कैसे पता चला? सुबह आए तो अभी ताला टूटा था। दर्री पुलिस थाना क्षेत्र में चोरों की हरकतों के कारण भारत सरकार के फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया के प्रस्तावित साइट से करोड़ों का सामान पहले ही पार हो चुका है। अब चोरों की नजर विभिन्न रिहायशी और व्यावसायिक क्षेत्र पर टिकी हुई है। जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं उससे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किए जा रहे दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए जमनीपाली से मणिपाल निमजा के साथ संतोष पटेल की रिपोर्ट।